हेलो फ्रेंड्स, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेके। अगर बैंक को प्राइवेट करना है तो सबसे पहले कंपनीज एक्ट में, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 1980 में यहाँ पर बदलाव करने होंगे। 1970 में बदलाव करने होंगे, साथ ही बैंकिंग कंपनीज एक्ट अंडरटेकिंग एक्ट 1980 में भी बदलाव करने होंगे। अगर ये दोनों कानून में बदलाव हो जाते हैं उसके बाद ही यहाँ पर प्राइवेट का जो है रास्ता साफ हो जाएगा। जो सरकार जो है इस कंपनी एक्ट को चेंज करने के लिए संसद में बिल, माना जा रहा है कि इस बिल को ला सकती है। अगर ये बिल अगर संसद से पास हो जाता है फिर जो है प्राइवेटाइजेशन का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। उस पर सरकार का नियंत्रण जो है सरकारी बैंक पर नहीं रहेगा, फिर उसका जो है प्राइवेट हो जाएगा। अब जिसको मन चाहेगी सरकार उसको प्राइवेट बैंक को कर सकती है। अगर ये बिल संसद में पास हो जाता है तो इसको प्राइवेट करने के लिए 1970-1980 में चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा क्या 1970 है, क्या 1980 है, क्या ग्राहक पर असर पड़ेगा, वो प्राइवेट करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेंगे। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब किया, दोस्तों में शेयर किया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जो है 1970-1980 बैंकिंग कंपनीज एक्ट जो है उसे चेंज करने के इसके प्रावधान को लाने वाली है संसद में, वो क्या क्या आपको असर पड़ेगा इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में पढ़ के बताता हूँ। सरकार देश का 11 सरकार PSU बैंकों कंपनी एक्ट के तहत लाने के प्रस्ताव पर विचार करी। देश की कई कंपनियां हैं जिन्होंने इन PSU बैंकों की खरीद में दिलचस्पी दिखाई। अगर सरकारी बैंक कंपनी एक्ट के तहत आ जाते हैं तो उनका राष्ट्रीयकृत बैंक का तगमा छीन जाएगा। कामकाज के सिस्टम में भी बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। अभी यह प्रस्ताव है जिस पर सरकार विचार कर रही है। बैंकों को कंपनी एक्ट में लाने का सीधा मतलब है कि नेशनलाइजेशन एक्ट ने इन्हें बाहर किया जाए और विनिवेश का रास्ता साफ खोला जाए। यहाँ विनिवेश का मतलब प्राइवेटाइजेशन से है। अगर ऐसा होता है तो यह बैंक किसी प्रोफेशनल कंपनी की तरह काम करेगा। यह प्रस्ताव मान लिया जाता है तो इन बैंकों को अपने विनिवेश के लिए संसद से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कह सकते हैं कि कंपनी एक्ट के चलते बैंक विनिवेश के रास्ते पर चल पड़ेंगे और उनका प्राइवेटाइजेशन आसान हो जाएगा। अगर ये दोनों जो है एक्ट जो है अगर चेंज हो जाता है तो उसके बाद जो है प्राइवेटाइजेशन का रास्ता साफ हो जाएगा। फिर सरकार जब मन चाहेगी जिसे भी बैंक को यहाँ पर प्राइवेट कर सकती है, ये कंपनी खरीद सकती है हिस्सेदारी। इन बैंकों के विनिवेश में बड़ा मुद्दा मैनेजमेंट बोर्ड को लेकर सामने आ सकता है। कोई प्राइवेट कंपनी सरकारी बैंक में कितना हिस्सा ले सकती है, उसकी ओनरशिप में कितनी भागीदारी होगी और रिजर्व बैंक किस आधार पर इसकी इजाज़त देगा, यह सब देखने वाली बात होगी। KKR ब्लैकस्टोन जैसे फंड ने PSU बैंक खरीद में दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि सरकार इस काम को कैसे आगे बढ़ाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या सरकार बोल रही है। ओनरशिप को लेकर फंस सकता है पेच। अगर कोई प्राइवेट बैंक सरकारी बैंक में हिस्सेदारी खरीदना चाहता है तो रिजर्व बैंक की तरह से कुछ खास नियम कानून है। इसमें ओनरशिप को लेकर सख्त नियम है। बिजनेस चैनल CNBC आवाज़ के मुताबिक अगर कंपनी एक्ट के तहत सरकार बैंक आते हैं तो ओनरशिप का रास्ता कुछ साफ होगा और प्राइवेट बैंक सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी खरीद सकेंगे। हालांकि इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होगी और अगर संसदीय सत्र में इस बार कुछ बात बन सकती है। नए नियम में यह भी देखना होगा कि कोई प्राइवेट बैंक किसी दूसरे प्राइवेट बैंक में हिस्सेदारी खरीद सकता है या नहीं। मतलब अगर इस बार संसद में होगा बिल तो इस पे बिल पर चर्चा किया जाएगा। कहीं ये कंपनी एक्ट अगर चेंज हो जाता है तो फिर बहुत दिक्कत होगा, प्राइवेट बैंक को कर दिया जाएगा। बैंकिंग कंपनी एक्ट में करना होगा बदलाव। देश में किसी भी सरकारी बैंक को प्राइवेट करने के लिए सबसे पहले बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 में बदलाव करना होगा। साथ ही सरकार को बैंकिंग कंपनीज एक्ट अंडरटेकिंग एक्ट 1980 में बदलाव करने की ज़रूरत होगी। अगर दोनों कानून बदल जाते हैं तो सरकारी बैंकों के निजीकरण का रास्ता साफ हो जाएगा। माना जा रहा है कि सरकार इसके लिए संसद में बिल ला सकती है। ये दोनों कानून अभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते हैं, लेकिन कंपनी एक्ट में आने के बाद बैंकों का निजीकरण के प्रावधान लागू होंगे। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या बोला जा रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं सरकार की क्या है तैयारी। सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कुछ बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होगा। विनिवेश के इस कदम से सरकार को 1.75 लाख करोड़ रुपये मिल सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक IDBI बैंक के अलावा दो सरकारी बैंक और जनरल इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण का प्रस्ताव है। इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए सरकार रिजर्व बैंक के साथ काम कर रही है। RBI भी इस पर काम कर रहा है और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े नियम जल्द जारी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से सरकार जो है बैंकिंग कंपनीज एक्ट में अगर चेंज करेगी उसके बाद ही यहाँ पे बैंक प्राइवेट होगा, अन्यथा यहाँ पे बैंक को प्राइवेट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए संसद में बिल पास करवाना होगा। अगर ये बिल पास हो जाता है
तो समझिए बैंक प्राइवेटाइजेशन का रास्ता साफ हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में आपको बता दिया हूँ। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब किया, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।